गुड मॉर्निंग क्लास, केजी क्लास टीचर सुमन सिंह। आज हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, साउंड ऑफ वॉवल ए। वॉवल मीन्स जानते हैं क्या होता है? वॉवल्स को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्वर, उसको स्वर बोलते हैं। इसमें वॉवल पूछा गया ए, साउंड ऑफ वॉवल, इसको साउंड ऑफ वॉवल। आज हम आपको इस नया चैप्टर पढ़ाएंगे, साउंड ऑफ वॉवल ए। साउंड ऑफ वॉवल में देखिए, वॉवल में क्या क्या आते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। हमने आपको पहले भी, इससे पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था, लर्न भी करने के था और लिख के भी दिखाया था कि वॉवल और कॉन्सोनेंट पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, साउंड ऑफ वॉवल। इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए, ये आपका क्या है, बी ए टी, बैट। बैट माने मीन्स बल्ला। इसमें वॉवल क्या होगा, ए। ये देखिए, ये ए है ना, इसको ए, इसको वॉवल पढ़ा जाएगा वॉवल। इसी तरह सी ए टी, कैट। सी ए टी कैट माने बिल्ली। इसमें वॉवल क्या होगा, ये ए होगा, ए, इसको वॉवल पढ़ेंगे। सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली। आर ए टी रैट, रैट माने चूहा। ये देखिए, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा। ए लगाएंगे तो रैट हो जाएगा। इसमें ओवल क्या है, ए। इसको ओवल में क्या पढ़ेंगे, आर ए टी रैट। ओवल को हिंदी में स्वर बोलते हैं। इसी तरह आई एम ए डी मैड, मैड माने पागल, जिसका दिमाग ख़राब हो जाता है उसको पागल बोलते हैं हिंदी में। उसको इंग्लिश में मैड बोलते हैं और हिंदी में पागल। इसमें ओवल क्या है, ए, एम ए डी मैड। इसी तरह एस, एस ए डी सैड, सैड माने दुखी होना। जिस किसी को आदमी कुछ डांट देता है, बोल देता है बच्चों, तो कैसे दुखी हो जाते हैं, तो उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैड। इसमें ओवल क्या होगा, ए, इसलिए ये सैड होगा, सैड में दुखी। इसी तरह ग्लैड, जी जी एल ए डी, ग्लैड। ग्लैड मीन प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुशी। ये देखिए, ये बॉयज खड़ा है जो कितना खुश है, वो उसको इंग्लिश हिंदी में खुश बोलते हैं, प्रसन्न होना। इसी तरह वी ए जी बैग, बैग माने मीन्स बस्ता, जो स्कूल में बैग लेके जाते हैं उसको हिंदी में बस्ता बोलते हैं, स्कूल बैग। तो इसमें ओवल क्या होगा, ए। टी ए जी टैग, टैग मीन्स बिल्ला, जो बिल्ला आदमी लगा के जाते हैं बच्चे लोग, उसको बिल्ला बोलते हैं हिंदी में, उसको टैग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। इसमें इसमें ए ओवल हो जाएगा। इसी तरह आई एम ए टी मैट, मैट माने चटाई। इसमें ओवल क्या है, ए, ये ओवल हो जाएगा, इसको मैं हिंदी में बोलेंगे, मैट माने चटाई। इसके बाद ये देखिए, इसी तरह इसमें भी है फोनेटिक बटरफ्लाई। आज हम आपको इसके आगे हम आपको बताएंगे। ये देखिए, बी ए टी बैट, देखिए इसमें ए टी लगेगा, ए टी, फोनेटिक बटरफ्लाई। इसमें ए टी लगेगा, इसमें ए एन लगेगा और इसमें ए पी ए और ए डी, ये ए डी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ए टी, ए टी में क्या लगेगा। आज हम आपको रीडिंग करा दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में आपको हम इसको रिटर्न कराएंगे आपको। सबसे पहले आप रीडिंग कर लीजिए। इसे ए टी पूछा है तो इसमें ए टी होगा, बी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एस ए टी सैट। क्योंकि इसमें ए टी के बारे में पूछा गया है, इसमें ए टी लगाना है तो इसको बी ए टी बैट लगाएंगे, ना कि आने एन ई टी होगा, बल्कि ये होगा ए टी बैट। इसलिए इसको बी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एस ए टी सैट।
आज इतने ही आज हम आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको इससे आगे बताएं। आज हमने आपको रीडिंग कराया, नेक्स्ट टाइम में हम आपको रिटर्न करके दिखाएंगे आपको कि कैसे करना है आपको। आपको अगर कोई प्रॉब्लम, आप इतना अभी आप सिर्फ लर्न कीजिएगा, आगे हम आपको नेक्स्ट टाइम में बताएंगे। थैंक यू, आज इतना ही डन, थैंक यू।